दोस्तों हमारा ये जो फैन है वो एक ही सी पे चल रहा था, उसका रेगुलेटर नहीं चल रहा था। हमने डायरेक्ट इसका कैपेसिटर बदल डाला और ये बहुत ही अच्छा स्पीड में, एक ही स्पीड में चलने लगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, आप देख सकते हो आज रात को क्या हुआ, यहाँ का जो रेगुलेटर है वो पूरा जल गया, इसके अंदर आग लग गई थी और पूरी वायरिंग जल सकती थी। तो इसका जो रेगुलेटर हमको बदलना पड़ेगा, पूरा ये बोर्ड बदलना पड़ेगा और ये वायरिंग वापिस करनी पड़ेगी। तो चलिए अब इसका बोर्ड बदलना हम सीखते हैं। तो चलिए, हमें ये रिपेयर करने के लिए चाहिए ये चार कलर की टेप, इंसुलेशन टेप जो कि 15 रुपये में आती, टेस्टर, प्लायर, कटर, और हमने ये जो रेगुलेटर लाए हैं ये 120 रुपये का रेगुलेटर आता है स्टेको कंपनी का, और ये स्टेको की, इसको बोल सकते इलेक्ट्रिकल एसेसरी जो हमको पूरी बदलनी है, ये हमारी 380 रुपये में आई है। ये लगेगा इसके ऊपर, ये प्लेट लगेगी जो ही हमारी प्लेट जल गई थी। हमको रेगुलेटर लगाना है, इसको इस तरह से इंसर्ट करना है और ये ऐसे दबाने से ये ऐसा लग जाएगा। तो चलो इसको हम लगाते हैं। ये जो वायरिंग है पहले इसको हम अलग कर लेते हैं, कुछ करना नहीं, सिंपल। जैसे ये जो ब्लू वायर है इसको हम चिपका हुआ है उसको अलग कर देंगे, ऐसा खींच के एक एक वायर पकड़ना है आपको हमको। ये देखो, ये इस तरह से उसको अलग कर दिया हमने। फिर जो हमने टेप लाई थी उसको ऊपर लगा देनी है। ये जो ब्लू कलर का वायर है उसको हमने टेप लगा दिया है। चलो अभी आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो येलो वायर है ये भी शॉर्ट हो गई ब्लैक से, तो उसको हम इस तरह से खींच के निकाल देंगे। ये हमारे हाथ में जो चिपकी वायर है अलग कर रहे हैं। ये जो येलो वायर है ये सब येलो वायर के ऊपर हम येलो टेप लगा देते हैं। जितनी भी येलो कलर की वायर थी सबके ऊपर हमने इंसुलेशन लगा के उसको अच्छी तरह से ठीक कर दिया है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं आता तो भी ये सिंपल है, सिर्फ हमको मेन पावर ऑफ रखना है और जिसने भी केबल हमारे पिघल गए थे उसके ऊपर हम इंसुलेशन टेप अच्छी तरह से लगा रहे हैं। सब वायर के ऊपर इंसुलेशन हो गया है। अच्छा हुआ है कि ये दो शॉर्ट होके एमसीपी गिर गई थी और पावर सप्लाई ऑटोमेटिक ऑफ हो गया था। तो हमारे घर में एमसीबी ईएलसीबी दोस्तों लगाई होनी चाहिए ताकि इस तरह से कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो तो सप्लाई कट हो जाए, और अच्छे कंपनी की वायरें केबल लगानी होनी चाहिए। ये फ्लेम रिटार्डेंट थी, अच्छे कंपनी की आरआर केबल या अच्छे कंपनी की जो वायरें होती है वो लगाओ कि जो अगर आग लगती है तो उसको कैरी करती नहीं है। तो चलो अब हम ये इलेक्ट्रिक बोर्ड रिप्लेस करते हैं। चलो पहले ये जो स्विच है एक नंबर की, ये स्विच को हम निकालते हैं। इसको इस तरह से ये नॉच है इसको प्रेस करके नीचे दबाना है। देखो ये नीचे दबा दिया, निकल गया। ये भी नीचे आ गई है स्विच, हाँ ये स्विच बाहर आ गई है, ये स्विच भी बाहर आ गई है।
अब ये दोनों काम नए स्विच बोर्ड में लगाते हैं। नया स्विच बोर्ड ले लिया है, अब हम ये स्विच लगाते हैं। तो पहले ये स्विच को अंदर डाला, फिर ये दूसरे स्विच को अंदर डाला और सिंपली उनको इस तरह से यहाँ दबा देना है तो स्विच लग जाएगी। ये देखो एक स्विच लग गई, सो सिंपल। हमको वायरिंग भी निकालनी नहीं पड़ी है, ऐसा लगाना है और ऊपर से ये जो नॉच है इसको दबाना है और ऐसा दबा देना है। हमारी दोनों स्विच लग गई दोस्तों, सो इजी। जिस तरह से ऊपर वाली स्विच निकाली थी उसी तरह से नीचे वाली स्विच का नॉब दबा के, ये देखो नॉच दबाया और स्विच को नीचे प्रेस कर दिया, हो गया। दूसरा यहाँ पे स्विच नहीं है लेकिन ये लॉक किया हुआ है, तो ये सिंपली इसका ढक्कन है वो भी हमने निकाल दिया तो ये बाहर आ गया, सिंपल। अब ये नीचे स्विच थी तो हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, ये पकड़ा हमने, ये स्विच को हमने इस तरह से अंदर ले ली और याद रखना आई लिखा हुआ है नीचे, ये नीचे आना चाहिए, ऊपर का ये पार्ट ऊपर आना चाहिए। हमको प्रेस कर देना है, स्विच लग जाती है, लग गई, सो इजी। और यहाँ पे बाजू में स्विच नहीं है तो हम ये लॉक लगा देंगे, दबा के अंदर लगा देना है, सो इजी। ये भी लग गया, हाथ काले है, डोंट वरी, हम इसको साफ बाद में कर सकते हैं, इस तरह से पावर नहीं है, अच्छी तरह से इसको बाद में हम साफ कर देंगे। अभी रह गई सेंटर की दो स्विच, वो निकाल के लगा देते। देख सकते हो एकदम इजी दिखा रहा हूँ, वायरिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। पहले निकाली थी उस तरह से हम नीचे के बोर्ड पे जाएंगे और ये देखो ये दोनों स्विच बाहर आ गई, ठीक है। ये दोनों स्विच को हमको लगाना है किधर, यहाँ नीचे, दोनों स्विच बढ़िया लग गई है। थ्री पिन लगाना है, ऊपर से मैं दबा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर और ये एक दबाया स्विच और ये दूसरे साइड का भी नॉच दबा के नीचे दबा दिया, हो गया। नीचे का नॉच लगाए, ऊपर से नॉच को दबा के सिर्फ प्रेस करना है, हो गया। अब हम ये लगा देना है, ये लगाया और से प्रेस करके लगा दिया, पूरा बोर्ड लग गया है दोस्तों। अभी सिर्फ हमारा रेगुलेटर का कनेक्शन बाकी है। रेगुलेटर में दो वायर है, ये एक वायर जाएगा ये स्विच में से जो सप्लाई रेगुलेटर को मिलेगा और जो एक वायर है वो फैन के ऊपर जाएगा, जो ये रेगुलेटर में लगा हुआ था वो हम कनेक्ट कर दे तो काम हो गया। तो ये हमने केबल यहाँ से निकाल दिया है, देखो पूरा ये यूनिट जो जला हुआ था हमने निकाल दिया है। ये जो एक केबल है रेगुलेटर का हम यहाँ पे लगा देंगे, बढ़िया से ये बोर्ड पूरा लग गया है। तो सिंपली हमें अभी इसको यहाँ ऐसा लगा देना है, उसके पहले हम पावर ऑन करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड बराबर चल रहा कि नहीं और ये जला हुआ भाग साफ करते हैं। डिस्टेंपर कलर है जो पानी से धब्बे निकल जा रहे हैं, पावर बंद है, इसके लिए हम क्लीन कर सकते हैं। इतना बढ़िया क्लीन हो गया है।
पावर ऑन हो गया, चलो तो हम ये स्विच को ऑन करके देखते फैन चालू होता है क्या नहीं। अभी हमने इसको एक नंबर पे रख दिया है और आप देख सकते हो पंखा धीरे धीरे घूमने लगा है। इसको दो की स्पीड पे हमने कर दिया, पंखे की स्पीड बढ़ रही है। ये तीन नंबर, ये चार नंबर और ये पांच नंबर, दोस्तों बहुत ही बढ़िया पंखा घूम रहा है और सब हमारी लाइट्स भी अच्छी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये बल्ब भी देखो चल रहा है। दूसरा हम क्या देखते हैं कि रेगुलेटर क्यों जला। तो दूसरी एक बात, तो रेगुलेटर तो गर्म हो गया लेकिन केबलिंग क्यों जली हमारी। तो ये हमने रेगुलेटर का सेंटर को लगाया है और ये केबल देख रहे हैं वो भी सेंटर से नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा था, जब ये रेगुलेटर गर्म होगा तो ये केबल भी गर्म हो जाएगी और केबल जल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, आपको सिखाया गया है उस तरह से सिंपली ये जो रेगुलेटर है उसको उठा के हम यहाँ से यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये जो खाली जगह है अगर रेगुलेटर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी हमारी वायरिंग जलेगी नहीं और यहाँ पे रेगुलेटर फिट हो जाएगा। तो ये हमारा रूट कॉज एनालिसिस हो गया। इसके अंदर जल्दी काम करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये टेप लगाना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से वायर काट के फटाफट कनेक्शन कर देना है ताकि ये आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो इसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खुद रिपेयर करके पैसे बचाएं। थैंक यू।